सेक्सुअल कंटेंट और पोर्न कंटेंट को देखने के हवाले से पाकिस्तान पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। लम्हा फिक्री है हमारे लिए, लेकिन ये सच है, वी आर ऑन द टॉप। अब खुद ही देख लें, समझ लें कि जिस मुल्क में जिस तरह का कंटेंट ज़्यादा देखा जाता होगा, उस मुल्क में उसी तरह का कंटेंट ही ज़्यादा अवेलेबल भी होगा। इट डजेंट मैटर कि वो कहाँ से आ रहा है, वो किसी को ब्लैकमेल करके आ रहा है, कोई वो कंटेंट खुद जनरेट कर रहा है, या फिर किसी की वीडियोस को लीक करके वो कंटेंट हम तक पहुंचाया जा रहा है, और हम भी किसी की भी लीक वीडियोस को सवाब का काम समझकर आगे शेयर कर रहे होते हैं और दोस्तों को बता रहे होते हैं कि ये देखो फलां बंदे की वीडियो लीक हो चुकी है, और हम इस बात की तहकीक तक नहीं करते कि वो वीडियो सच भी है या फिर उसको किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है। क्योंकि आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि अब किसी का भी चेहरा किसी भी वीडियो में बआसानी दिखाया जा सकता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं हो। कोई भी मतलब इंसान, कोई भी जो अच्छे तरीके से वीडियो एडिटिंग को जानता हो, AI को जानता हो, वो इन सब चीज़ों को बना सकता है। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है डीप फेक टेक्नोलॉजी। ये पहले पूरी दुनिया में आई, बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेसेस ने टारगेट किया, एक्ट्रेसेस को टारगेट किया, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ चुकी है, क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट है लोगों को ब्लैकमेल करने के हवाले से, और ये हमारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकती है। तो आखिर ये डीप फेक टेक्नोलॉजी है क्या, और ये काम किस तरह से करती है, ये मैं आपको बताता हूँ। हम अक्सर लड़कियों को कह रहे होते हैं कि अपनी पिक्स या फिर वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड मत किया करो, क्योंकि इनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्या ये सच है, ये भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये डीप फेक आखिर है क्या। जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क के थ्रू काम करने वाली ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस पर ये किसी भी इंसान के फेस एक्सप्रेशन, उसकी वॉइस, उसकी किसी भी बात को बआसानी जज कर सकती है, और उसको उस वीडियो में लगाने के लिए, जिस भी वीडियो पर उस बंदे को आप दिखाना चाहते हैं उस पर लगाने के लिए सिर्फ एक तस्वीर की ज़रूरत पड़ती है, और उसके थ्रू ये उन तमाम एक्सप्रेशंस को जारी कर देती है जो हम अभी मैं आपके सामने जैसे बोल रहा हूँ, और अभी आपके सामने वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ चल रही होगी आपके सामने। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं सुपरमैन बना हुआ हूँ, और जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये तो मैंने एक आम से ऐप के ज़रिए किया है, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल बंदा इस टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी की भी पिक को किसी भी गलत किस्म की वीडियो में लगा दे, तो हम कभी भी उस बंदे पर यकीन नहीं करेंगे कि ये बंदा नहीं है इस वीडियो में, या फिर ये बंदा झूठ बोल रहा है कि ये मेरी वीडियो नहीं है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों रुपए लोगों को देने के लिए तैयार हैं, जो सिर्फ ये इस तरह का सिस्टम कोई उनको बना के दें कि वो ये सिस्टम बता सके कि ये जो वीडियो सिस्टम इंटरनेट पर अपलोड हुई है वो डीप फेक है या फिर असली वीडियो है। क्योंकि उस वीडियो, जो डीप फेक वीडियो है, उनको पकड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है, और अभी तक कोई भी इस तरह का वादा सिस्टम नहीं बनाया जा सका किसी भी कंपनी की जानेब से, जिससे पता चल सके कि ये वीडियो डीप फेक है या फिर असली है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी बड़ी कंपनीज अगर पता नहीं चला पा रही, तो हम कैसे पता चला पाएंगे। और अगर हमारी खुदा ना खास्ता किसी ने वीडियो, किसी भी गलत किस्म की वीडियो हमारी कोई बना देता है, या हमारी वहाँ पे पिक लगा देता है और वायरल कर देता है हमारे एरिया में या फिर हमारे इलाके में, तो हमारा इलाका कभी भी नहीं मानेगा कि ये बंदा इस वीडियो में मौजूद नहीं है। तो खुदा के वास्ते इन चीज़ों से बच के रहें और अपने आप को महफूज रखें। किसी भी वीडियो, जो भी आपको लीक वीडियो मिलती है, उसको खुदा के वास्ते हरगिज़ शेयर ना किया करें, क्योंकि आपकी वो छोटी सी गलती जो आप शेयर कर रहे होते हैं, वो किसी की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यही है कि इन वीडियोस पर मुकम्मल तौर पर भरोसा ना किया करें कि ये जो वीडियोस हम तक लीक वीडियोस पहुँच रही हैं, या किसी भी किस्म की कोई पोर्न वीडियो या फिर सेक्सुअल कंटेंट टाइप की वीडियो किसी भी ऐसे बंदे की जिनको आप जानते हैं, अगर वो आप तक पहुँची है, तो इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो सच है। इसलिए उस वीडियो पर मुकम्मल तौर पर भरोसा ना करें जब तक आप ख़ुद इस बात की तसल्ली ना कर लें कि ये वीडियो सच है या फिर झूठ। होप सो आपको इस डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में मुकम्मल तौर पर पता चल चुका होगा, और अब आप भी किसी की भी इस तरह की वीडियोज़ या फिर तस्वीरों पर मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं करेंगे और किसी की भी ऐसी वीडियोज़ को शेयर नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।